सलाम अलैकुम, दुआ फरमाइए। आपसे गुजारिश ये है कि हैदराबाद के अमन के लिए आपको मंदिर वोट देना। आज मैं अभी एक वीडियो आप सुनिए मैं एक वीडियो मेरे को अभी कोई भेजा है जिसमें एक बीजेपी के कैंडिडेट है, उन्हों तीर मार रहे हैं और एक इबादतगाह की तरफ। आप अंदाजा लगाइए हैदराबाद का अमन आप और हम मिलकर बचा के रखे उसको। पिछले 15-20 साल से हैदराबाद में कोई फसाद नहीं हुआ। अगर हैदराबाद में तेलंगाना में फसाद होगा तो क्या बचेगा बोलो आप? ब्रांड हैदराबाद तो ये अमन है, कोई नहीं आएगा यहाँ पे। और आप जो है तीर मार रहे हैं इबादतगाह के पीछे ऊपर। नहीं आप क्या पैगाम दे रहे भाई? हैदराबाद में अमन इलेक्शन लड़ो आप, मगर आप अमन को बिगाड़ना चाहते हैं, फसाद करना चाहते हैं। क्या जाएगा हैदराबाद पे, क्या रहेगा यहाँ पर? एक बरसों से एक हिंदू मुस्लिम इत्तेहाद बोली अमन है यहाँ पर, ब्रांड हैदराबाद हम क्रिएट करें, सब क्रिएट करें, और इससे बीजेपी की जहनीयत का अंदाजा हो रहा। बल्कि आप बुजुर्ग है, ये नौजवाना सोचना है कि हैदराबाद का तेलंगाना का फ्यूचर क्या होगा? अगर आप इस तरह के मजाहरे करेंगे, तीर लेके किसी इबादतगाह की तरफ आप मारेंगे, 6 दिसंबर काफी नहीं था क्या आपको? यानी ये हैदराबाद को टारगेट बनाना चाह रही आरएसएस और बीजेपी। तो मेरी आप तमाम से अपील है कि हम तमाम को ये बताना पड़ेगा, इलेक्शन अपनी जगह पर, मर अमन तो बरकरार रहना। ऐसी ताकतें भाई, आप कल तक मेरे को गाली देते थे और आप कुछ नहीं करते थे, जान से मारने, अब तो आप इस तरह से तीर बता रहे। वो शायर का शेर है कि क्या क्या है सितमगर, इधर आ उस हुनर आजमाए, तू तीर आजमा हम जिगर आजमाएंगे। अरे आप तीर मारेंगे तो हम फूल बरसाएंगे, आप तीर ही मार सकते, आप फूल नहीं बरसा सकते, आप नफरत को आगे बढ़ा सकते, आप मोहब्बत को आम नहीं कर सकते। तो इससे हैदराबाद और तेलंगाना के नौजवानों को देखना चाहिए इस वीडियो को देखने के बाद कि हैदराबाद में क्या करना चाहती बीजेपी आरएसएस। अफसोस की बात है कि इस तरह से आप अमन को बिगाड़ना चाहते, फसाद करना चाहते। खैर मुझे यकीन है कि तेलंगाना और हैदराबाद की आवाम ऐसे लोगों को, इनकी नफरत को शिकस्त देंगे और मोहब्बत को आम करेंगे इंशाल्लाह।